हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर पॉलिनेशन करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 5 साइंस, क्लास 5 मैथ या क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। और अब लर्निंग नोटबुक के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, देन टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, उसके बाद हम सीखेंगे पॉलिनेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक एंड अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ फोर मेन पार्ट्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसका मतलब है कि जो फ्लावर्स हैं दे मेक सीड्स जिनकी मदद से नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। और ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके चार मेन पार्ट क्या क्या? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। आइए इन चारों मेन पार्ट्स को हम एक एक करके समझते हैं। पहला पार्ट है सेपल। द आउटर ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। तो जो ये बाहर का आउटर ग्रीन, ये जो बाहरी ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, उसको कहते हैं सेपल्स। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। अब इसकी फंक्शन क्या होती है सेपल की? जब फ्लावर खिल रहा होता है, बड स्टेज में होता है, तो ये जो सेपल होता है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसको देखिए ऐसे आपको दिख रहा है इस इमेज में कैसे उसने उसको अपने अंदर प्रोटेक्ट करा हुआ। एंड एज द बड ओपन्स सेपल्स कर्ल बैक एंड फॉर्म अ कप। और जैसे जैसे बड खुलना शुरू होती है सेपल कर्ल बैक यानी वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ये देखिए इधर ये पीछे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, कर्ल होना शुरू हो जाते हैं और एक कप की शेप ले लेते हैं। एंड बीइंग ग्रीन दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर फूड। और क्योंकि ये सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं तो वो फूड भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर का पेटल। द ब्राइट कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल। अब पेटल्स क्या होती हैं? ये हम सबने देखी हुई हैं फ्लावर्स की पेटल्स जो होती हैं, ये देखिए ये पेटल्स हैं फ्लावर की। तो ये बहुत ही कलरफुल होती हैं, ब्राइट कलर्ड होती हैं यूजली, और ये ऐसी होती हैं दिखने में, राइट। Bright colors and sweet smell of petals attract insects towards the flower. अब usually flowers में सब में जो petals हैं इनकी smell बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, sweet smell होती है, और colors भी इन सबके bright होते हैं जिसकी वजह से ये insects को attract करती हैं towards the flower. अब next part है flower का stamen. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंड्रोशियन। अब इधर देखिए, इस इमेज में देखिए, ये जो है पार्ट इसको कहते हैं स्टेमन। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसे एंड्रोशियम भी कहा जाता है। अब इस स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, द स्टेमन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। कौन कौन से? फिलामेंट एंड एंथर। इधर देखिए इस पिक्चर में, ये जो ऊपर का पार्ट है ये इसे कहते हैं एंथर, और ये नीचे ये जो पतला सा लंबा सा जा रहा है इसे कहते हैं फिलामेंट। द फिलामेंट इज द लॉन्ग स्लेंडर पार्ट ऑफ द स्टेमन। तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो फिलामेंट होता है ये देखिए ये ऐसा ये लंबा सा और पतला सा पार्ट है स्टेमन का, ठीक है। और ये जो एंथर है, द एंथर इज अ टू लोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द फिलामेंट। और एंथर ये
टू लोब, इसमें देखिए दो लोब्स हैं इसमें, इसलिए इसको कहा गया है टू लोब स्ट्रक्चर, और ये प्रेजेंट होता है फिलामेंट के टॉप पर, सबसे ऊपर फिलामेंट। ईच लोब ऑफ द एंथर कंटेन्स अ पॉडरी येलो सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। अब इस एंथर के अंदर क्या होता है, ये जो दोनों लोब होते हैं एंथर के, इसमें होता है एक पॉडरी येलो सब्सटेंस जिसे कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। अब यूजुअली स्टूडेंट्स ये येलो कलर के होते हैं पोलन ग्रेन्स, पर ये अलग कलर्स के भी हो सकते हैं अलग अलग फ्लावर्स में, जैसे कि ये रेड भी हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। एंड दीज पोलन ग्रेन्स दे प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, और ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को पैदा करने के लिए। अब फोर्थ पार्ट है फ्लावर का पिस्टल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया है जिसे कहते हैं पिस्टल। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द गायनोशियम। तो देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये पूरा ये पार्ट, इसे कहते हैं पिस्टल। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, और इसे गायनोशियम भी कहा जाता है। अब पिस्टल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द पिस्टल इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। अब पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? पहला है स्टिग्मा। द स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल, इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। ये देखिए यहां पे ये होता है स्टिग्मा, ठीक है, सबसे ऊपर होता है ये, सबसे अपर मोस्ट पार्ट है पिस्टल का, और इसकी क्या फंक्शन होती है, ये पोलन ग्रेन्स को लेता है, उनको रिसीव करता है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, लोब में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको ये रिसीव करता है स्टिग्मा। सेकेंड पार्ट है पिस्टल का स्टाइल। द स्टाइल इज द नेक ऑफ द पिस्टल, इट इज अटैच टू द स्टिग्मा ऑन द टॉप एंड द ओवरी एट द बेस। देखिए ये जो है बीच का पोर्शन, इसे कहते हैं स्टाइल। तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर तो स्टिग्मा से अटैच्ड है और नीचे ये जो पूरा है ये ओवरी कहलाती है, ये नीचे से इससे अटैच्ड है। अब थर्ड पार्ट पिस्टल का है ओवरी। द ओवरी इज द लोअर मोस्ट सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो देखिए यहां पे नीचे ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है मोटा सा पार्ट पिस्टल में, इसे कहा जाता है ओवरी। The ovary contains small bead-like structures called ovules. अब इधर देखिए, ये मैंने आपको ये थोड़ा magnify करके दिखाया है, इधर ये ovary है और ovary के अंदर ये आपको ये छोटे छोटे bead जैसे structure दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ovules। और इन ovules में क्या होता है, Each ovule contains the female reproductive cells called egg. हर एक ovule में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें एग्स कहा जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इन द फ्लावर बिकम्स द फ्रूट एंड ओव्यूल्स बिकम सीड। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन मतलब कि भी जब इस ओवरी को पोलन ग्रेन्स रिसीव हो गए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स रिसीव हो गए हैं ओवरी को, तो क्या होता है कि ये जो ओवरी होती है ये बन जाती है फ्रूट, और जो ये ओव्यूल्स होते हैं ये बन जाते हैं उस फ्रूट के सीड्स। जैसे कि सपोज करिए कि ये गुआवा का फ्लावर है, अमरूद का फ्लावर है ये, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि ये जो ओवरी है वो एक गुआवा बन जाएगा और ये जो ओव्यूल्स हैं ये गुआवा के सीड्स बन जाते हैं। तो ये होता है ऐसे ही प्रोसेस चलता है और जब एक फ्रूट बनता है, तो ये सारा प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अ फ्लावर मे और मे नॉट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको जो फ्लावर दिखाया उसमें दोनों थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट कई ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा
या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? तो इसके बेसिस पे फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। आइए इन दोनों टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को समझते हैं। पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सम फ्लावर्स हैव बोथ अ स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड अ पिस्टल विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि कुछ फ्लावर्स में दोनों होते हैं, स्टेमन भी होता है और पिस्टल भी होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाय मीन्स बोथ, तो उनमें दोनों पार्ट्स हैं, मेल के भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एग्जांपल्स क्या हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के? हिबिस्कस, लिलीज एंड रोजेस। इन तीनों फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, इसलिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। अब दूसरे टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं मोनोसेक्सुअल फ्लावर। सम फ्लावर्स हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ईदर स्टेमन्स और पिस्टल। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल का होगा स्टेमन्स या फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यानी पिस्टल्स, तो उन फ्लावर्स को कहते हैं मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। मोनो मतलब वन, तो ऐसे याद रखिए एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उनमें। और एग्जांपल्स क्या हैं ऐसे फ्लावर्स के? क्यूकुम्बर्स, वाटरमेलन्स एंड पपाया। तो इन तीनों में जो है ये मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं क्योंकि इनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। The flowers that have only stamens as their reproductive parts are called male flowers. तो वो flowers जिनमें सिर्फ stamen reproductive part होता है, सिर्फ male reproductive part होता है, उन flowers को कहते हैं male flowers. And the flowers that have only pistils as their reproductive parts are called female flowers. और flowers जिनमें सिर्फ pistils होता है उन्हें कहते हैं female flowers. Now, male and female flowers may be present on the same plant. तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि सेम ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ठीक है, ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। मोस्ट फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल। This attracts insects such as bees and butterflies and even tiny birds such as hummingbirds. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ज्यादातर flowers bright color के होते हैं और उनमें बहुत मीठी मीठी smell भी होती है, खुशबू भी होती है, जिसकी वजह से insects जैसे कि मधुमक्खी, तितलियां और ये छोटे छोटे birds, hummingbirds जैसे birds उनकी तरफ attract होते हैं। Flowers produce a sweet liquid called nectar, which is formed at the base of the pistil. अब ये जो flowers होते हैं ये एक sweet liquid, एक मीठा सा liquid produce करते हैं जिसे कहा जाता है nectar. और ये कहाँ form होता है, कहाँ produce होता है? Pistil के base पर। अब देखिए students, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। Petals जो होती हैं वो अपने ब्राइट कलर और स्वीट स्मेल की वजह से इंसेक्ट्स और बर्ड्स को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करती है। पर अब ये जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं वो फ्लावर के ऊपर क्यों बैठते हैं? वो इस नेक्टर के लिए बैठते हैं क्योंकि ये जो नेक्टर है ये उनका फूड है, इसे पीने के लिए, इसे खाने के लिए बैठते हैं वो फ्लावर के ऊपर। बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड हमिंग बर्ड्स ड्रिंक दिस नेक्टर एज फूड। और यही जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत जरूरी है पॉलिनेशन के लिए। नाउ इंसेक्ट्स कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब देखिए जब इंसेक्ट्स नेक्टर पीने के लिए फ्लावर पर बैठते हैं तो क्या होता है कि उनके पैरों पे या उनके पंखों पे ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के, एंथर मैंने आपको बताया था ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये जो अपर पार्ट होता है ये एंथर होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उनमें चिपक जाते हैं उनके पैरों पे, उनके पंखों पे, और जब वो
उड़ते हैं फ्लावर के ऊपर से या इधर उधर मूव होते हैं, तो वो इन पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे इनसे ड्रॉप हो जाते हैं, इधर गिर जाते हैं उनसे इधर, कहाँ पे? स्टिग्मा पे। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका जो ये अपर पोर्शन है स्टिग्मा, वहां पे ये ड्रॉप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स। सो दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर, इसे कहा जाता है पॉलिनेशन। अब स्टिग्मा पर जो ये पोलन ग्रेन्स गिरे थे, ये स्टाइल के थ्रू, ये जो लंबा सा ये स्टाइल है इधर, इसके थ्रू ये नीचे ओवरी में आते हैं और ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है। अब फर्टिलाइज होने के बाद ओवरी का फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल्स होते हैं उनके सीड्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। ये पॉलिनेशन जो होता है ये पहला स्टेप है सीड्स की फॉर्मेशन में। और सीड से क्या होता है? फ्रॉम सीड्स न्यू प्लांट्स ग्रो। सीड्स की मदद से ही नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब देखिए, यही पॉलिनेशन का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाती हूँ। ये एक इंसेक्ट है, ये बैठा है फ्लावर पर नेक्टर पीने के लिए। अब देखिए, ये जब नेक्टर पी रहा है तो ये कहाँ घूम रहा है? ये घूम रहा है एंथर के ऊपर, ठीक है। अब एंथर में ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके पंखों पे, इसके पैरों पर चिपक रहे हैं, और जब ये नेक्टर पीते पीते ये घूम रहा है फ्लावर के ऊपर, तो ये वो पोलन ग्रेन्स ड्रॉप कर देता है किस पर? स्टिग्मा पर। तो ये ट्रांसफर हो गए हैं पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर, और इसी प्रोसेस के थ्रू होगा पॉलिनेशन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है ये थ्री स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमंस स्टिक टू अ बी एज इट विजिट्स अ फ्लावर टू कलेक्ट फूड। तो सबसे पहले स्टेप में जब बी या कोई भी इंसेक्ट आ रहा है फ्लावर के पास नेक्टर पीने के लिए, तो स्टेमंस से जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये बी पर चिपक जाते हैं, चाहे उसके पंखों पे, चाहे उसकी बॉडी पे, चाहे उसके पैरों पे। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में द बी ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप। अब सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स, ये जो इंसेक्ट है बी है, ये दूसरे प्लांट में जो सेम टाइप का प्लांट है उस पे जाती है नेक्टर पीने के लिए। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो दूसरे प्लांट पे जाए या उसी सेम फ्लावर पर ही घूमे, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड स्टेप में क्या होता है। When insects move to other flowers, some of the pollen grains from their bodies fall on the stigma of flowers. तो अब जब इंसेक्ट दूसरे फ्लावर्स पे गया है, वहां पे मूव कर रहा है, तो उसकी बॉडी पे जो पोलन ग्रेन्स चिपके थे वो गिर जाते हैं स्टिग्मा पर। यहाँ पे ऊपर गिर गए स्टिग्मा पर, और इसके थ्रू फिर क्या होता है? फिर होता है फर्टिलाइजेशन। ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है, स्टाइल से नीचे आते हैं ये पोलन ग्रेन्स और ओवरी हो जाती है फर्टिलाइज, ठीक है। Now we are going to learn about types of pollination. There are two types of pollination. दो टाइप के होते हैं pollination. पहला होता है self pollination और दूसरा होता है cross pollination. Let's understand each one of them. First is self pollination. The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self-pollination. तो ये पहला टाइप है पॉलिनेशन का, जिसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट इन्वॉल्व है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर, या तो ये एक ही फ्लावर पर होंगे, इसी एक फ्लावर पर ही हो जाएंगे, या इसी प्लांट के एक फ्लावर से इस दूसरे फ्लावर तक होंगे ट्रांसफर। तो इस प्रोसेस को, ये जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट इन्वॉल्व है इसमें। सेल्फ पॉलिनेशन यूजुअली डज नॉट
रिक्वायर एनी कैरियर सच एज बीज और बटरफ्लाई। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन ये जो है प्रोसेस, इसमें यूजली कोई कैरियर जैसे कि बीज, बटरफ्लाई या बर्ड नहीं रिक्वायर्ड होता, ये अपने आप ही होता। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जहां पे होता है पॉलिनेशन इस तरीके का? पीनट्स, ऑर्चिड्स और पीस, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप है पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर प्रेजेंट ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन में एक दूसरा प्लांट सेम टाइप का इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे दो प्लांट इन्वॉल्व है। सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे दो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं यहाँ पे। तो ये बी जो है वो पहले प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स लेके गई और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर उसने वो पोलन ग्रेन्स ड्रॉप कर दिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में दे डू नीड कैरियर्स और एजेंट सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड एंड वाटर। और यहाँ पे ये ऐसे कैरियर्स और एजेंट्स चाहिए होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, हवा हो गई और पानी। और एग्जाम्पल्स क्या है? एप्पल्स, ट्यूलिप्स एंड मेप, इन सभी में क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब स्टूडेंट्स, अब हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, फ्लावर्स आर द डैश ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट, द फोर मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर द सेपल्स, पेटल्स एंड देन रिमेनिंग टू आर स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। डैश आर टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन। स्टेमन के कौन से दो पार्ट्स बताए थे मैंने आपको? फिलामेंट एंड एंथर। नेक्स्ट, द एंथर कंटेन्स डैश। एंथर के पास क्या होता है? एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन। डैश आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द पिस्टल। पिस्टल के कौन से तीन तीन पार्ट बताए थे मैंने आपको? एक तो होता है स्टिग्मा, पिस्टाइल एंड देन ओवरी। डैश फ्लावर हैज बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। कौन से फ्लावर में दोनों होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? बायसेक्सुअल फ्लावर्स में। डैश फ्लावर हैज ईदर स्टेमन्स और पिस्टल्स। मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स में या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा। विंड, वाटर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एजेंट्स ऑफ, किसके एजेंट्स हैं ये? पॉलिनेशन के। डैश इज द सोलन पार्ट ऑफ पिस्टल। आंसर इज ओवरी। डैश प्लांट शोज सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक एग्जांपल लिखना है हमने कौन से प्लांट का जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती हो। सो वी कैन राइट पीनट हेयर।